आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर पसंदा, जो कि हर रेस्टोरेंट में नहीं मिलती है, कुछ कुछ खास रेस्टोरेंट में ही ये मिलते हैं। उसे आज हम आपको घर पे कैसे आसानी से बना सकते हैं दिखाएंगे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। उसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 4 प्याज लेंगे, इन्हें हमने टुकड़ों में काट लिया है, 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/4 कप काजू और 1 बड़ा चम्मच किशमिश, इन सबको डालेंगे। अब इसमें 1/2 कप करीब पानी डालेंगे, इन्हें इस तरफ फैला के गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम में जब तक कि प्याज सॉफ्ट ना हो जाए बीच बीच में चलाते हुए इन्हें कुक करेंगे। ग्रेवी के लिए प्याज रेडी हो रहा है। इतनी देर हम 1/2 किलो 500 ग्राम पनीर लेंगे, उन्हें इस तरह रेक्टेंगल में काटेंगे, एक्सेस को निकाल दें। अब इसके हम पतले पतले स्लाइसेस करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है तो बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, इस तरह पतले पतले स्लाइस करें। सारे पनीर को इस तरह काट लें स्क्वायर्स में, इस तरह सारे स्लाइसेस को काट के हम ये किनारे वाले को एक साइड में एक बाउल में रखेंगे। अब एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में हम 1 कप धनिया पत्ता, 1/2 कप पुदीना पत्ता, 1 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 गोल मिर्च, 1/2 नींबू का रस, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, इन सबको डाल के पीस लेंगे। इस तरह इन्हें पीस कर हमने जो साइड्स वाले पनीर को निकाल के रखा था इसे इस तरह मैश कर लेंगे। अब इसमें ये धनिया पत्ता की चटनी को डालेंगे, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वादानुसार डाल के मिला लेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच काजू बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच बादाम बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच किशमिश बारीक कटा हुआ, इन सबको भी डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम पनीर लेंगे, 1 स्लाइस पनीर के लेंगे इस तरह, इसमें थोड़ा सा स्टफिंग देंगे और इसमें फैलाएंगे, बहुत ज़्यादा स्टफ ना करें, बस थोड़ा सा स्टफिंग लेके इस तरह चारों ओर फैलाएं और इसके ऊपर 1 और स्लाइस रख के कवर कर दें। सारे पनीर को इस तरह तैयार कर लें। हमारे सारे पनीर रेडी है। अब हम इसके लिए स्लरी तैयार करेंगे। उसके लिए 1 बड़ा चम्मच मैदा ऑल पर्पज फ्लोर, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर और नमक स्वादानुसार डालेंगे, इन्हें मिला लेंगे और थोड़ा पानी डाल के एक थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। इस तरह स्लरी तैयार करके अब हम पनीर लेंगे और पनीर के साइड्स को बस इसे कोट करेंगे, चारों साइड को कोट कर लें, बीच में नहीं करना है, बस साइड्स को कोट कर लेना है। सारे पनीर को इसी तरह रेडी कर लेंगे। पनीर तैयार है और इधर हमारी ग्रेवी के लिए प्याज भी तैयार है, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, पानी बिल्कुल सूख चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। अब इसमें हम 2 इलायची और 4 लौंग, 8 से 10 गोल मिर्च, इन सबको डाल के छोड़ देंगे और इन्हें अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। अब आप चाहे एक पैन या फिर इस तरह का किनारे वाला तवा कुछ भी लें, उसमें घी डालें, आप चाहें तो इसे तेल में भी कर सकते हैं या फिर फ्राई भी कर सकते हैं। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे, घी हल्का गर्म होने पे अब हम इस पे पनीर रखेंगे, इन्हें हम सेलो फ्राई कर रहे हैं, आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन्हें रखें, सारे पनीर को इस तरह अरेंज करके मीडियम फ्लेम में तेल को चारों ओर इस तरह करते हुए सिकने देंगे। एक साइड पनीर सिक रहा है, इसी तरह हम ग्रेवी भी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच घी का डालेंगे, घी को गर्म होने देंगे, घी गर्म होने पे 1 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 2 लाल मिर्च को इस तरह 2 टुकड़ों में काट के डालेंगे और इन्हें थोड़ा चलाते हुए सेक लेंगे।
ये सिक जाने पे अब हमने प्याज को बिल्कुल बारीक पीस लिया था, इसे इसमें डालेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। इसे बीच बीच में चलाते हुए मीडियम फ्लेम में तेल छोड़ने तक सेक लेंगे। इधर पनीर भी सिक चुका है, धीरे धीरे करके आराम से इन्हें पलटेंगे और दूसरी ओर से भी सिकने देंगे। प्याज अच्छी तरह से सिक चुका है, देखिए ये तेल भी छोड़ चुका है। अब एक बार हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसमें 1/4 कप दही डालेंगे। दही को डाल के मिला लेंगे। फ्लेम को बंद करके दही डालें वरना दही फट जाएगी। इन्हें अच्छी तरह से पहले मिलाएं। अब गैस को ऑन करें, इसे लगातार चलाते हुए सेकें। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, इन सबको डाल के लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से सेक लेंगे। इन्हें लगातार चलाएं। मसाले सिक जाने पे अब इसमें हम 1/2 कप फ्रेश क्रीम डालेंगे। इसे भी डाल के अच्छी तरह से मिलाएंगे। क्रीम भी अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब इसमें हम 2 स्लिट की हुई हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, इन्हें भी डाल के मिलाएंगे अच्छे से। इन्हें मिला के 1 कप दूध डालेंगे। ग्रेवी आप अपने इच्छा अनुसार गाढ़ा पतला कर सकते हैं। इसे भी डाल के मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक बॉईल होने देंगे। ग्रेवी रेडी है, फ्लेम को बंद करें। अब जब भी सर्व करना हो पनीर को इस तरह हाफ में कट करें, ट्रायंगल्स में। जिस भी प्लेट में या बाउल में सर्व करना हो उसमें थोड़ा ग्रेवी डालें, पनीर रखें, इसके ऊपर फिर से थोड़ी ग्रेवी डालें। इस तरह गर्मा गर्म पनीर पसंदा सर्व करें। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं।